ओडिशा में चक्रवाती तूफान दाना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से 197 ट्रेनें रद्द की गई हैं। रेलवे ने 24 घंटे इमरजेंसी ऑपरेशन एक्टिव कर दिया है। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर बंगाल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल के 7 जिलों में 26 अक्टूबर तक सभी स्कूल्स बंद रहने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान दाना 24 अक्टूबर की शाम से 25 अक्टूबर की सुबह तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच पहुंच सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी, जो अक्सर चक्रवाती विक्षोभ से ग्रस्त क्षेत्र है, इस समय तीव्र मौसमी गतिविधि का एक और दौर देख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य में बना एक अवसाद पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने का अनुमान है और आज ये चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इस प्राकृतिक घटना के 24 अक्टूबर की सुबह तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने का भी अनुमान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। आईएमडी इस मौसम प्रणाली पर बारीकी से नजर रख रहा है। इसके अनुमानित मार्ग को देखते हुए तूफान के उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर, विशेष रूप से पुरी और सागर द्वीप के बीच भी आने की उम्मीद है। वहीं 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर की सुबह के दौरान भूस्खलन होने की संभावना है। भूस्खलन के समय तूफान की तीव्रता के कारण हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार तक की हवा चलने की संभावना जाहिर की जा रही है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को संभावित प्रभावों के लिए तैयार रहने की बाकायदा सलाह दी गई है, जिसमें तेज हवा की गति, भारी बारिश, तूफान की लहरें भी शामिल हैं। वहीं तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर निकासी की योजना भी बनाई जा रही है। कहां कहां पर इसका असर है ये आप इस वक्त देख रहे हैं, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस मैप के जरिए आंध्र प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में इसका असर दिखाई दे सकता है और ओडिशा में इसका असर दिखाई दे सकता है। और इसी वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के जो अधिकारी हैं उनको संभावित प्रभावों के लिए तैयार रहने की सलाह बाकायदा दी गई है, जिसमें तेज हवा की गति है, भारी बारिश है और तूफान की लहरें भी शामिल हैं। जो तटीय क्षेत्र है वहां पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही जरूरत अगर पड़ती है तो उस पर निकासी की योजना भी बनाई जा रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। केशव, अभी दाना को लेकर सिचुएशन, चाहे हम उड़ीसा की बात करें या फिर आसपास के इलाकों की बात करें, तो यहां पर यह माना जा रहा है कि खास तौर पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। उड़ीसा में भी आज से स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, जो ये समुद्री इलाके हैं वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। ताजा स्थिति इस वक्त किस तरह की है? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए साइक्लोन दाना जो है वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आईएमडी की तरफ से लगातार अपडेट किया जा रहा है और इसी को लेकर खास तौर से उड़ीसा सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार जो है सतर्क हो गई है और लगातार जो दोनों राज्यों के सरकार है वो तटीय इलाकों से जो लोग हैं उनको कहीं और शिफ्ट करने में लग चुके हैं। खासतौर से अगर बात करें उड़ीसा सरकार की, क्योंकि उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर और पुरी, कटक, भद्रक, इन सब एरिया को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचने के अनुमान है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि कल सुबह जब ये साइक्लोन दाना पुरी से टकराएगा तो उस वक्त जो हवा की रफ्तार होगी वो तकरीबन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। तो इसी के मद्देनजर उड़ीसा सरकार जो है खासतौर से उन इलाकों से जो तटीय क्षेत्र में के बहुत नजदीक रहते हैं उन लोगों को दूसरे जगह सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर रहे हैं, और खासतौर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो उड़ीसा में भी और पश्चिम बंगाल में भी तैनात किए गए हैं। आज से ही मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहुत तेज बारिश हो सकती है। इस वक्त मैं खुद कोलकाता में मौजूद हूं, आप मेरे पीछे भी आसमान में देख सकते हैं बहुत बादल जो है वो छाया हुआ है। आंशिक रूप से कई इलाकों में इस वक्त पश्चिम बंगाल में बारिश भी हो रही है, और क्योंकि आईएमडी की तरफ से पहले ही जो है ऑरेंज अलर्ट आज से ही जारी कर दिया गया है और आज शाम से रेड अलर्ट पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों के लिए आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है। इसी के मद्देनजर भारतीय रेलवे की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। 3 जोन, ईस्ट कोस्ट रेलवे और
साउथ वेस्टर्न रेलवे और ईस्ट वेस्टर्न रेलवे के तरफ से तकरीबन 400 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। इसमें से खासतौर से उड़ीसा में कह सकते हैं पूरी तरह से ट्रेन सेवा बाधित है उन इलाकों में जो तटीय क्षेत्रों से गुजरती है। साउथ के राज्यों में जो ट्रेन जाती है उनको कैंसिल कर दिया गया। इसके साथ ही भुवनेश्वर, नई दिल्ली, राजधानी सहित ऐसे कई ट्रेनें हैं जो खासतौर से ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से कैंसिल किया गया, तकरीबन 204 ट्रेनें। इसके साथ ही साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से भी ट्रेन कैंसिल की गई है। भारतीय रेलवे की तरफ से जो बताया गया है तकरीबन 400 ट्रेनों को अभी तक कैंसिल कर दिया गया है चक्रवाती तूफान दाना के मद्देनजर, क्योंकि ये तूफान बहुत खतरनाक है और जिस तरह से IMD की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार और उड़ीसा सरकार की तरफ से लगातार तैयारियाँ की जा रही है। केंद्र सरकार की भी नज़रें हैं क्योंकि NDRF की टीमें 12 टीमें जो है वो पश्चिम बंगाल में तैनात की गई है, 11 टीमें उड़ीसा में तैनात की गई है। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से जो है वो SDRF की टीम को भी तैनात किया गया। लोगों को जो समुद्र किनारे रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाई जा रही है। चक्रवाती तूफान दाना के मद्देनजर ही कल से ही 3 दिवसीय उड़ीसा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली थी, उनका भी जो दौरा कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि चक्रवाती तूफान बहुत तेजी से इस वक्त पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है। इसी कारण राष्ट्रपति का भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सरकार पूरी तैयारी कर ली है जब ये चक्रवाती तूफान टकराएगी तो नुकसान कम हो, इसके लिए उड़ीसा सरकार भी और पश्चिम बंगाल सरकार भी लगी हुई है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की इस वक्त कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर IMD की बात की जाए, चूंकि आप कोलकाता में इस वक्त केशव मौजूद हैं तो वहां को लेकर भी चूंकि आज रात से कल सुबह तक का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पश्चिमी मेदिनीपुर को लेकर अपडेट है और पूर्व मेदिनीपुर को लेकर भी अपडेट ये मिल रहा है कि बारिश होने की संभावना अभी से वहां पर जाहिर की जा रही है। अभी जो करंट सिचुएशन वहां पर है इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल के इलाकों में अधिकारियों की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी निर्देशित किया गया है अलर्ट रहने के लिए। जी बिल्कुल आकांक्षा, देखिए IMD कोलकाता की तरफ से जो जानकारी दी गई है अभी, यानी कि सुबह से ही पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना और पुरुलिया, बांकुरा में भारी बारिश हो रही है। साथ ही हल्दिया पोर्ट पर भी जो है वो सभी इमरजेंसी टीमें को तैनात किया गया, अलर्ट पर रखा गया ताकि अगर इन इलाकों में ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा तो हल्दिया जो पोर्ट है वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। इन इलाकों में आज सुबह से ही जो आंशिक रूप से भयंकर बारिश शुरू हो गई है, कोलकाता में मौजूद हूं, यहां पर भी कुछ इलाकों में बारिश हो रही है और आसमान में साफ तौर से बादल देखने को मिल रहा है, यानी कि जो IMD की तरफ से पहले अनुमान लगाया गया था कुछ ही देर में अब इन इलाकों में भी बारिश शुरू हो जाएगी और आंशिक रूप से कई इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है क्योंकि चक्रवात तूफान जो है वो बंगाल की खाड़ी से बहुत तेजी से बढ़ रहा है खासतौर से उड़ीसा की तरफ, और इसकी जो रफ्तार है जो IMD की तरफ से अनुमान लगाया गया जब ये तट से टकराएगा उस वक्त हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी, तो उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं इससे कितने भयंकर नुकसान हो सकती है। इसीलिए नुकसान कम हो इसके लिए दोनों राज्य सरकारें खासतौर से उड़ीसा सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पहले से ही तैयारी की जा रही है ताकि नुकसान कम हो, और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों की छुट्टी भी 26 तारीख तक के लिए रद्द कर दी गई है दोनों सरकारों की तरफ से, और इमरजेंसी सेवाएँ सभी अलर्ट पर रखी गई है पश्चिम बंगाल में भी और उड़ीसा में, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान होने की जो अनुमान है वो उड़ीसा में है, इसलिए उड़ीसा सरकार ज़्यादा सतर्क है और लगातार इसको लेकर बैठकें भी कर रही है क्योंकि पूरी में जितने भी टूरिस्ट आते हैं या श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनको पहले ही उड़ीसा सरकार की तरफ से कह दिया गया कि आज दोपहर तक ही पूरी तरह से जो है वो पूरी को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि आज से ही कई ट्रेनें कैंसिल हो गई है, कल आज शाम से ही जो फ्लाइट है वो सेवाएं भी बाधित हो जाएगी, खासतौर से कोलकाता एयरपोर्ट की बात करें, भुवनेश्वर एयरपोर्ट की बात करें, पहले से ही IMD की तरफ से अनुमान है कि हवाई सेवा बाधित होगी, इसलिए जो टूरिस्ट है उनको सुरक्षित। अगर पश्चिम बंगाल की सिचुएशन को हम समझे तो कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है इस तूफान का पश्चिम बंगाल पर। हाँ बिल्कुल आकांक्षा, देखिए पश्चिम बंगाल में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल से भी ये जो तूफान दाना है ये होकर गुजरेगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान की जो आकांक्षा वो कोशिश होगी वो की गई है कि कम हो वो उड़ीसा में सब टकराएगा ये तूफान दाना, तो उड़ीसा में नुकसान कम हो इसकी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार भी अलर्ट है क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी जो खासतौर से कोलकाता, हुगली, पुरुलिया इन इलाकों में जो हवा की रफ्तार है वो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार हो
सकती है जो IMD की तरफ से अनुमान लगाया गया। इसीलिए दोनों राज्य सरकारें, खासतौर से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकार, पहले से ही अलर्ट है और दोनों जगह जो है वो NDRF SDRF की टीमें तैनात की गई है। इमरजेंसी सेवा सभी अलर्ट पर रखे गए हैं ताकि जब ये तूफान दाना साइक्लोन टकराए उस वक्त जो नुकसान हो तुरंत उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके, इसकी पूरी तैयारी फिलहाल की गई है। देखिए, अगर सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो वो यातायात पर भी पड़ सकता है, जो स्थानीय लोग हैं उन पर भी केशव पड़ सकता है, कृषि क्षेत्र पर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सरकार की तरफ से क्या इसको देखते हुए, चूंकि कुछ ज़रूरी सेवाएं हैं जिन पर इसका खास तौर पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, यहाँ पर क्या कदम अभी फिलहाल सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं इसको लेकर? अब बिल्कुल आकांक्षा, देखिए साइक्लोन दाना के से प्रभावित होने में सबसे ज़्यादा अगर कोई मार्ग है तो वो रेलवे है और हवाई सेवा है। इस क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, दीपावली बहुत नज़दीक है, ऐसे में लोग खासतौर से कोलकाता की बात करें या भुवनेश्वर से बात करें, इन सब तमाम इलाकों से लोग बहुत ज़्यादा संख्या में अपने घर जाते हैं। लेकिन तकरीबन 400 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है भारतीय रेलवे की तरफ के 3 जोन से, इसलिए आप समझ सकते हैं जो लोग फेस्टिवल सीजन में अपने घर जाने वाले थे उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आप, क्योंकि 3 दिनों तक भारतीय रेलवे की तरफ से यानी कि 23, 24 और 25 अक्टूबर के लिए ये तकरीबन 400 ट्रेनें अभी तक कैंसिल कर दी गई है और ट्रेनें कैंसिल की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से साइक्लोन दाना जो है वो इस वक्त उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है, उसके खतरे को देखते हुए पहले से सभी सरकार अलर्ट है और एहतियात के तौर पर रेल सेवा, हवाई सेवा और सड़क मार्ग पर भी जो कई सेवाएँ वो प्रभावित हो गई है। खासतौर से बात करें तो कोलकाता एयरपोर्ट और भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर भी पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि 24-25 तारीख को कई हवाई सेवा जो है पूरी तरह से कई रूट के लिए परिचालन बंद रहेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे विमान के परिचालन नहीं हो पाएंगे, लैंड नहीं हो पाएंगे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ही खराब होगा। इसलिए आप समझ सकते हैं फेस्टिवल सीजन में जो लोग घर जाना चाह रहे थे, बाय एयर जाना चाहते थे या बाय ट्रेन, उनके लिए भी मुश्किलें सामने खड़ी हो गई है। लेकिन अभी कोशिश है सरकार की तरफ से, वहां पर राहत शिविर बनाए गए हैं जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि शिफ्ट भी इन्हें किया जा रहा है इन इलाकों से, तो उसके लिए कोई इंतजाम फिलहाल? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए उड़ीसा सरकार की तरफ से अभी तक बताया गया है तकरीबन 1300 गांव से 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों को राहत शिविर में पहुंचा दिया गया है सुरक्षित स्थान पर। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी तकरीबन जो है 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जो कि राहत शिविर बनाया गया था राज्य सरकार की तरफ से, उन जगहों पर लोगों को सुरक्षित पहुँचाया जा रहा था कि जब ये तूफान दाना टकराए तो समुद्री किनारे रहने वाले लोगों को कम नुकसान हो, इसलिए तटीय इलाकों से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है फिलहाल। ठीक है केशव, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।